बृहस्पति महिला महाविद्यालय के बाहर बीएड छात्र छात्राओं का हंगामा। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हंगामा करते हुए कॉलेज प्रबंधन पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। एग्जाम फीस में 1500 की जगह 3000 अतिरिक्त वसूली का आरोप। अतिरिक्त रुपए न देने पर बीएड छात्र छात्राओं को नहीं दिए गए प्रवेश पत्र। शुक्रवार को होने वाले बीएड द्वितीय सेमेस्टर के एग्जाम से पहले कॉलेज ने वसूली शुरू की। सैकड़ों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर उतार हुआ कॉलेज प्रबंधन। मौके पर पहुंचे एसीएम 4 आरपी वर्मा के बिगड़े बोल छात्रों से बोले, बैठे रहिए, रात भर मैं भी बैठा हूं। कानपुर के किदवाई नगर स्थित बृहस्पति महिला महाविद्यालय का है मामला। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए दुर्गेश अवस्थी की ये खास रिपोर्ट। मैं आपके साथ दुर्गेश अवस्थी, हम मौजूद हैं इस समय कानपुर के किदवाई नगर स्थित बृहस्पति महिला कॉलेज के पास। आप पीछे में देख सकते हैं कुछ छात्राएं हैं जो आज सुबह से लगातार कॉलेज के गेट पर जमी हुई हैं और इनकी मांग है कि कॉलेज प्रशासन फीस के नाम पर इनसे ज्यादा पैसों की मांग कर रहा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको, कुछ छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उन छात्राओं के पास चलते हैं, कुछ छात्राओं से बात करते हैं, आखिर जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। आपका क्या नाम है? सर अंजलि। क्या नाम है? अंजलि। क्या है पूरा मामला, आप लोग किस लिए यहाँ इकट्ठा हुए? सर हम लोग की मेन प्रॉब्लम ये है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी ये मांग नहीं कर रही, जितनी यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस डिक्लेयर करी है जो हिसाब से उन्होंने बोला उतना लीजिए आप, उससे एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहे हैं आप? कितने पैसे, आपकी फीस कितनी होती है, कितना ये लोग मांग? सर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम जो फीस बोली है वो 1500 तक बोली है, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा 2000 तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और फिर कल एग्जाम जो हम लोग कितनी फीस ये मांग रहे हैं? सर टोटल 5000 मांग रहे हैं। टोटल 5000 सर, बात ये है कि यूजीसी कोर्स का बहाना बता रहे हैं, और बल्कि यूजीसी कोर्स का हम लोग जब लोग एडमिशन लिया था उसके 3000 रुपए हम लोग पहले सर रसीद दिए, ठीक है, उसका हम लोग पहले ही स्टार्टिंग में पेमेंट कर चुके हैं। अब ऑन द स्पॉट जब अब ऑन द स्पॉट कॉलेज आते हैं, आज सडनली बताया जाए कि आपको 5000 रुपए डिपॉजिट करने, सर बताइए मिडिल क्लास के लोग कहाँ से अटेंडम पैसे लेके आए, बताइए सर। लोग टीचरों से पूछ रहे हैं कितने पैसे लेके आने हैं। एग्जाम वगैरह आपके कब से हैं? सर परसों है। इस चीज को जब अपने कॉलेज प्रशासन को बताया तो उन्होंने क्या कहा? सर उनका सेट आउट ये निकला है, आप 2000 रुपए अभी जमा करिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला फॉर्म लीजिए, पहले आप सबमिशन कराइए जाके, उसके बाद आपका बैलेंस क्यों चढ़ाया जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं, और बैलेंस आपको बताया गया, जब आप बैलेंस वो पे करेंगे कल आके तभी आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, नहीं तो आपको एडमिट कार्ड भी नहीं, और एडमिट कार्ड के 1 भी रुपए नहीं पड़ते, उसके भी 100-200 रुपए एक्स्ट्रा मांग करी जा रही है, बताइए सर कहाँ से हम लोग दे आते हैं? सर किताबों का तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, किताबों का कोई ऐसा मुद्दा नहीं। सर हम लोग को किताबों से कोई प्रॉब्लम है, हमारा मेन पर्पस है कि एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस क्यों लिए जाए। सर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सुबह 9 बजे से खड़े हुए हैं सर, भूखे प्यासे, किसी को कोई परवाह नहीं, ना कोई सुनने के लिए आ रहा है, कोई प्रशासन आता भी है सीधे डायरेक्टली ऑफिस प्रबंधक से जाके बात करता हूँ, आके चुपचाप गाड़ी में बैठ के चले, हम लोग को सुनने को तैयारी नहीं, हम लोग कहाँ जाए बताइए। आपको बता दें पूरा जो मामला है वो फीस को लेकर के है, छात्रों का लगातार ये कॉलेज प्रबंधन से छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, जो फीस है वो 1500 की बजाय 3000 कॉलेज प्रबंधन मांग रहा है और जिसकी कोई रसीद भी नहीं दे रहे। मामले पर हम आपके साथ बने रहेंगे और जो भी आगे निकल के आएगा हम आपको बताएंगे। सर फर्स्ट सेमेस्टर में 2500 रुपए इन्होंने लिए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी कुछ देर पहले ही हम लोग के एग्जाम हुए थे, उससे कोई स्लिप नहीं है हम लोग के पास कि इन्होंने कहाँ पैसे लिए, ठीक है, अभी ये 5000 रुपए मांग रहे उसकी भी कोई स्लिप नहीं दी जाएगी। आपको जो पहले पैसे दिए उसकी रसीद नहीं मिली? कोई भी किसी को नहीं रसीद दी है। आप देख रहे हैं लगातार छात्राएं आरोप लगा रही है कि जो पहले इन्होंने फीस जमा की थी उसकी भी रसीद इनके पास नहीं है और अब दोबारा जब फीस मांगी जा रही है तो इसके एवज में भी कॉलेज प्रबंधन कोई भी रसीद देने से साफ मना कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर के चलने के बाद प्रबंधन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है या नहीं। आप बने रहिए आईपीएन के साथ, मैं दुर्गेश अवस्थी, कैमरामैन मेरे साथी पवन, नमस्कार। देखिए ये प्रकरण जो है बीएड की जो परीक्षाएं शुरू होने जा रही है परसों से, बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट का मैटर है, इसके बारे में हमने इस बाबत जो है पत्र विश्वविद्यालय कुलपति जी को और कुल सचिव महोदय को भेजा हुआ है, उसे दिशा निर्देश मांगे हैं, जैसे हमें मिलते हैं हम आगे बच्चों को करने का। अभी तक तकरीबन 5-6 घंटे से बच्चे बाहर बैठे हैं, उनका लगातार कहना है कि फीस ज्यादा तो उनसे दी जा रही, तो फीस बताई गई उससे कहीं ज्यादा फीस दी जा रही, ये क्या प्रकरण है? नहीं, फीस ज्यादा का कोई प्रकरण नहीं है, मैंने आपको बताया अभी कोर्ट में कि ये मैटर जो है बच्चों के अटेंडेंस शॉर्ट का मैटर है,
वो परीक्षा में अपीयर कैसे हो इस बाबत मैंने जो है एनईपी चूंकि लागू हो चुकी है तो मैंने इसीलिए मांगा हुआ है, दिशा निर्देश मिल जाता है जैसे विश्वविद्यालय से। तो हम आज देखिए हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे परीक्षा दें और ये अब ये खामा खा कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो ये इनको सीधे हमसे बात करनी चाहिए। और मैंने इनको बता दिया, अभी एसीएम सर आए थे, उन्होंने इनको ब्रीफ किया है और बच्चे संतुष्ट हुए हैं। उनको बच्चे भी बता रहे थे रसीद को लेकर के, पहले कुछ फीस देने की रसीद उनको मिली है और अभी भी जो फीस मांगी जा रही है उसकी रसीद देने से स्कूल ने मना कर रहा है, क्या मामला है? नहीं, मामला ये नहीं है, मामला तो जो बच्चे फीस है जो हमारी कॉलेज के अंदर ही हमारा बैंक है, यूनिवर्सिटी बैंक खुला हुआ है, उसकी एक विंडो इस तरफ खुलती है, सारे बच्चे ही फीस जमा करते हैं। बच्चे मान लीजिए कि आप इतना भी पैसा मांगो जमा कर, उनको जो रसीद उसमें अमाउंट मिलेगी, पैसा कोई मांगा नहीं जा रहा है। रही बात परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क जो है निर्धारित है, जो अन्य महाविद्यालय दे रहे हैं वही महाविद्यालय लिया जाएगा। बच्चे का उनको एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा? देखिए इसके पहले बच्चों को फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर वो फॉर्म नहीं भरते हैं तो हम सबमिशन नहीं कर सकते, सबमिशन नहीं कर पाएंगे तो एडमिट कार्ड इशू नहीं हो पाएगा। अब उनको आके यहाँ पर आके मिलना पड़ेगा ऑफिस में और अपना फॉर्म देना पड़ेगा, फॉर्म को भर के जब जमा करेंगे तब हम सबमिशन करेंगे, उसके बाद सबमिशन होने के बाद जब फीस जमा हो जाएगी विश्वविद्यालय, फिर बच्चों को एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, जब वहाँ से आ जाएगी डाउनलोड हो जाएंगे।